हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनको जो मॉर्निंग का रूटीन है वो पूरी तरह से क्लियर है कि उन्हें मॉर्निंग में क्या करना है, लेकिन वो जब लंच लेना चाहते हैं तो उस समय वो थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुझे लंच में क्या लेना है, क्योंकि वो कुछ जब हल्का फुल्का लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उन्हें भूख लगती है जिससे कि वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खिचड़ी लेके आई हूँ, आप इसे मसाला खिचड़ी भी कह सकते हैं, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस है, साथ में फुल ऑफ प्रोटीन भी है, जो आपको लंच में स्पेशली चाहिए। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे आपको एक प्याज लेना है, टमाटर लेना है, लहसुन लेना है और मिर्च लेनी है। मैं यहाँ पे लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। भिगोए हुए चने लेने हैं और मूंग की दाल लेनी है और एक ओट्स लेना है। मैं यहाँ पे मसाला ओट्स ले रही हूँ, आप चाहें तो प्लेन ओट्स भी ले सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, कुकर, आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, कुकर में बनाना ज़्यादा ईजी है। डेढ़ चम्मच आपको ऑयल लेना है, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों में से आपको कोई एक ऑयल चूज़ करना है और अब आपको इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करना है, जीरा डालना है, थोड़ी सी हींग डालनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप बिना छिलके वाली दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और ये फाइब्रस भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं छिलके वाली दाल यूज़ करती हूँ। अब आपको इसमें लहसुन डालना है और मिर्च डालनी है और इन सबको बहुत अच्छे से आपको फ्राई करना है, यानी कि जब तक लहसुन अच्छे से रेड ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इसे तब तक फ्राई करना है जब तक लहसुन रेड ना हो जाए। अब आपको इसमें प्याज डालना है और कुछ स्पाइसेस डालने हैं, मसाले डालने हैं जैसे जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालूंगी और क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिर्च डाल दी है इसलिए मैं मिर्च नहीं डालूंगी। अगर आप लोग तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्च इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो प्याज है वो थोड़ा सा रेड हो जाए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ और फिर आपको मसालों को अच्छे से भून लेना है। देन आपको टमाटर डालना है, क्योंकि ऑयल हमने कम डाला है इसीलिए टमाटर की हेल्प से ही हम मसालों को पकाएंगे और थोड़ी देर ढक दें। सो ढक के हम इसलिए पकाएंगे ताकि भाप में जो मसाले अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी कम है इसलिए भाप के ज़रिए सारे मसाले पकेंगे और टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको चने इसमें डालने हैं, अपनी दाल है, जो दाल है आपको डालनी है और इसके बाद आपको ओट्स डालना है। लगभग मैं हाफ बाउल जो है वो ओट्स ले रही हूँ, आप प्लेन ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये मसाला ओट्स है इसलिए इसमें जो है स्पाइसेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपको लगभग एक से डेढ़ ग्लास जो है पानी डालना है। देन आपको टू थ्री फोर तक सीटी लगानी है जिससे सारी सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स देखा, मेरी जो खिचड़ी है वो रेडी है, बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है, खा के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ये आपके वेट को है पूरी तरह से लॉस करेगी और जिनको ऑलरेडी लॉस हो चुका है उनका मेंटेन करेगी। तो अब मैं इसका जो है वो मज़ा लेने जा रही हूँ, आप ही बनाइए और खाइए। तो फ्रेंड्स देखा, इसे बनाना कितना इजी है। मैं अभी खाई रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करते करते मैं खा लूँ इसे, और बहुत ही टेस्टी है, ट्रस्ट मी गाइस। जो लोग ओट्स को नहीं पसंद कर सकते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जो मुझे प्लेन ओट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं हमेशा मसाला ओट्स ही लेके आती हूँ और मैं इसे इस तरह से बना के खाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें फुल ऑफ फाइबर है, आपने देखा है इसमें प्रोटीन भी है जो हमें लंच में चाहिए, और दो तरह की प्रोटीन है आपको इसमें
चने वाली प्रोटीन भी मिलेगी और दाल वाली भी प्रोटीन मिलेगी। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।